नमस्कार, सत श्री अकाल, वणकम, खम्बा गणी, राम राम। साहब सभी का ऑनलाइन मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए सुरेश कौचटिल सर। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। ही इज बीन अक्रॉस मेनी कंट्रीज राइट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू दी वेस्ट। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, व्हाई आई ब्रॉट हिम टुडे इज ऑन द केरला स्टोरी। ही इज वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड विद द टीम हु इज विद सुदीप्तो सेन, आदा शर्मा एंड अदर पीपल ऑफ द टीम, जो केरला फाइल्स को आप ग्लोबली लेके जा रहे हैं। एंड ही इज वन ऑफ द What is this? Key players in that part. So a very warm welcome on the show. Yeah. No, Not you a key don't player, be humble. Please. I know. Don't be humble. No, I hate limelight. So I'm promoting the movie ever since it was released in India and long before it was released. जो है यही फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग ध्रुव राति जैसे लोग जैसे वीडियो बनाते हैं कि उसमें सब छूट है और सारे बहुत सारे लोगों ने उनका उनका भांडाफोड़ किया था, बताया था कि कैसे छूट बोलता है वो। 50 लाख लोग देखे हो, 50 लाख में आप जाके अगर उसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे उसमें 95% मुसलमान है और उसमें भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हैं। तो ये बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। अगर गायत्री जी आपका वीडियो को यूट्यूब में आप 2 लाख या 3 लाख व्यू कल सुबह चाहिए तो आप यूट्यूब को पैसा दे दीजिए, यूट्यूब उसका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। ऑफिशियल है, कोई लीगल नहीं है, यूट्यूब पैसा लेता है और व्यूज़ बढ़ा देता है। मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग होते हुए, हमारे क्लाइंट जब मांगते हैं और ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए ऑडियंस ये सिटी में होना चाहिए, उनका इनकम इतना होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे होना चाहिए, उनका एज ग्रुप ये होना चाहिए, ऑटोमेटिकली व्यूज़ बढ़ जाता है। तो 50 लाख व्यूज़ जो ध्रुव राति ने लेके, वो कोई बड़ी बात नहीं है। केरला में इतना कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था कि 32,000 लड़के हैं या 32 लड़कियाँ हैं या 3 लड़कियाँ हैं, ये सारे कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था। मैं उनको समझाया कि ये पिक्चर में कहीं वो 32,000 का नंबर ही है ही नहीं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि 32,000 लड़के का पॉइंट कहाँ है आपके पास? और ये स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि 32,000 है, 3 है, 2 है, 3 लड़कियों की कहानी है, एक्चुअली 4 लड़कियों की कहानी है। और अगर हम देखें ये लड़कियों की कहानी जो हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली हम एक कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2009 में जाएंगे वापस, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजते रहता हूँ गायत्री जी, आप वो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि जब जब मैं नीचे देखता हूँ कि फ़ोन में चेक करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि ये जो केरला हाईकोर्ट से शुरू हुआ था, मैं इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहा था उसका। केरला हाईकोर्ट में 2009 के करीब एक केस आया था, एक एंटिसिपेटरी बेल का केस आया था। 2 मुस्लिम लड़कों ने एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि वो लोगों ने उनके ऊपर एक 2 लड़कियों ने केस डाला था कि ये लोग हमारे धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हमें हमें कन्वर्ट किए थे, हिंदू लड़की थे दोनों, और हम इनके उनके ऊपर ये लोगों ने केस डाला था लड़कियों ने, और ये 2 लड़के पहुंच गए केरला हाईकोर्ट की, हमें रिलीफ दीजिए, हमें एंटिसिपेटरी बेल दीजिए। तो केरला हाईकोर्ट के जो जजेस थे, आई थिंक जस्टिस शंकरन थे, वो अभी रिटायर भी हो गए, वो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने पूरा केस का जांच किया, पुलिस वालों से इसका डिटेल्स मांगा और पता करा उनको कि पता चला उनको कि ये जो 2 लड़के थे बदमाश थे, इन्होंने लड़कियों को कन्वर्ट किया था, और लड़कियों को कन्वर्ट करने के बाद ये लोग स्पेसिफिकली इनको धर्म परिवर्तन करने के बाद पता नहीं क्या प्लान कर रहे थे, कि वो टाइम पर जिहाद का तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट था जो चल रहा था मार्केट में। तो ये 2 लड़कों का बेल जब डिनाई किया, केरला हाईकोर्ट ने बोला कि वो टाइम, आई एम टॉकिंग ऑफ 2009, और 2009 उन्होंने बताया कि ये जो धर्म परिवर्तन है केरला में 4,000 से 6,000, क्योंकि उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स से केस का स्टेटस मांगा था, उनके पास जो मिसिंग लड़कियां हैं और जो लड़कियां स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर शादी किए थे, ये सारों का डिटेल्स मांगा था, और ये डिटेल्स पहुंचा था उनके पास। तो मैं आपको भी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, 2 स्क्रीनशॉट जो ये जजमेंट का कॉपी है, और आप शायद उसको फ्लैश भी कर सकते हैं स्क्रीन पे बाद में चाहिए तो। तो ये जो केस हुआ था, और केरला हाईकोर्ट ने इसका एक सिनॉप्सिस मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने कहा कि देयर इज इंडिकेशन ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन्स अंडर द गाइज ऑफ लव, और ये वर्ड लव जिहाद जब कॉइन हुआ था, ये कोई आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने नहीं किया था। दिसंबर 10 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जो मैं आपको भेजा हुआ अभी, और इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि ये जो लड़कियां हैं इनको कन्वर्ट किया गया, और केरला में बहुत बड़ी तरह, क्योंकि इन्होंने सारे पुलिस के रिपोर्ट्स मंगाए थे पुलिस के पास से, डिपार्टमेंट्स के पास से, उसमें से क्लियरली ये आया था कि उन्होंने पता किया, और उन्होंने कहा, कोटिंग स्टैटिस्टिक्स, द कोर्ट सेट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स, दैट इज 2009 से पहले, तो आप 2005 रख लीजिए, और आप है 2022 में,
बताए कि 3000 से 4000 रिलीजियस कन्वर्जन हैव टेकन प्लेस आफ्टर लव अफेयर. ये कोई आरा फेरा बोल नहीं रहा है, केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर का एक्सट्रैक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं. तो आप देखिए, जब 4000 या 5000 लड़की आती है, 4000 रख लीजिए, 2009 में हुआ था, हम अब 2022 में हैं. तो अगर 4 साल में आप बोलेंगे कि 1000 लड़कियां गायब हुए, एग्जैक्टली, क्योंकि 4 साल में वो लोग बोल रहे थे कि 4000, तो हम बात कर रहे हैं 2009 से लेके अभी 2022 तक, तकरीबन 13-14 साल. तो आप वो फिगर ऐड कर लीजिए, उसे ज्यादा ही हुआ था, कम तो नहीं हुआ था ना. तो ये लड़कियां गए किधर, ये पहला सवाल था. क्योंकि एक तो था कि ये लड़कियां एक बार कन्वर्ट होने के बाद ये लोग वहां केरला में नहीं रह सकते, क्योंकि इनको ढूंढते हैं, इनके पेरेंट्स ढूंढते हैं, बाकी लोग ढूंढते हैं, और कहां गए ये लोग. और केरला हाईकोर्ट में अभी भी 1000 से ज्यादा हैबियस कॉर्पस पिटिशंस पड़े हुए हैं जो ये लड़कियों के मिसिंग केसेस हैं. आपको पता है हैबियस कॉर्पस का एक लैटिन वर्ड है, उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो प्रोड्यूस द बॉडी, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस द पर्सन. हाईकोर्ट बोलता है, कोर्ट बोलता है कि पुलिस को कि प्रोड्यूस द पर्सन, हैबियस कॉर्पस. इसके सिला आपके यहां से आगे हटते हटते हुए आप देखेंगे कि केरला में एक ISIS का जब बाहर इंपैक्ट हुआ था, अफगानिस्तान जैसे जगह पे, जो पहले तालिबान बना था, उसके बाद इराक में IS का जो इंपैक्ट था, उसके बाद सीरिया में गया था, तो ये जो IS का जो मेजर इंपैक्ट है उसके लिए उनको जिहाद के लिए लड़के चाहिए और लड़कियां भी चाहिए. लड़कियां किस लिए चाहिए, उनको सेक्स स्लेव्स बनाएंगे या उनको सुइसाइड बॉम्बर्स बनाएंगे, ये उनका स्ट्रेटजी था. ये नहीं कि लड़कियां भारत से गए थे, बहुत सारे देश से गए थे. आपको पता है कि अभी भी ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफाइन किया जो लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में भी हो रहा था. अभी जब केरला स्टोरी बाहर आया तो लोग पूछने लगे, अरे भाई ये हो रहा था क्या हमारे देश में. यही प्रॉब्लम है, क्योंकि 15-20 साल से हम बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा था हमारी बात. प्रतीश विश्वनाथ जो हिंदू सेवा केंद्र चलाते हैं, जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, मेरा उनका वीडियो मेरे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, शायद गायत्री जी होना तो आप भी शेयर कर सकते हैं आपके लिंक में उसको. प्रतीश जी ने मुझे बताया, और अभी नहीं बहुत पहले बताया था उन्होंने, कि सुरेश मैंने 9000 लड़कियों को वापस लेके आया हूँ, 9000 से 20000 तो उनके पास लिस्ट. वो चैलेंज कर रहे कि ऐसे कोई भी आदमी मेरे सामने आके बोले कि केरला से कोई लड़की गई नहीं बाहर, या कोई लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मैं लिस्ट निकालता हूँ. इसके सिवा आपने देखा होगा जो 3-4 लड़कियां जो टेलीविजन में आ रहे थे, उसमें एक लड़की को मैंने इंटरव्यू किया था, अनघा, डॉक्टर अनघा जयगोपालन, जो इस्लामिक बनने गई थी, पर वो लव जिहाद नहीं था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जिहाद होते हैं. एक जिहाद है इंटेलेक्चुअल जिहाद, जब आदमी या लड़की जो बहुत पढ़ी लिखी होती है उसको थोड़ा आगे और आगे सोचती है वो. क्योंकि इसमें आप वो मूवी में अगर देखेंगे तो आपने देखा नहीं, क्योंकि आपके एरिया में मूवी आई नहीं अभी, तो जब मूवी में देखेंगे तो उसमें ये सबसे बड़ी गलती ये दिखाते हैं कि हम हिंदुओं हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं. क्या पढ़ाते नहीं, हमारे रिलीजन के बारे में पढ़ाते नहीं. क्योंकि वो मूवी में ऐसा सीन्स भी है जहाँ वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों को टॉन्ट करती है कि देखो तुम्हारा राम क्या भगवान है, उसके सीता माँ को उठा के लेके गया, देखते रह गए, भगवान हो तो क्या ऐसा होता है क्या कुछ. शिव जी ने क्या किया, उनके पति, उनका पत्नी देहांत होने के बाद घूम रहे थे रोते हुए, ऐसे इंस्टेंसेस लेके आ रहे थे. भगवान को तुम क्या पूछते हो, एक तो हाथी का सर लग के घूम रहा है, दूसरा मंकी है, ऐसे लोगों को आप पूजा करते हैं. तो ये लड़कियों के पास उसके लिए जवाब नहीं है, और ये हमारे हिंदू सोसाइटी के सबसे बड़े फॉल्ट है, क्योंकि आजकल सब लोग बिजी हैं. अगर आपके बाद हमने 3-4 लड़कियों को, मैंने खुद एक लड़की से इंटरव्यू कराया था, डॉक्टर अनघा जयगोपालन, जो मैंने बताया था इंटेलेक्चुअल जिहाद, वो जो आश्र विद्या समाजम जो है, जो आप तिरुवनंतपुरम में, पहले वो एर्नाकुलम में था, वहाँ अब तक 6000 लड़कियों को वापस लाके उनको धर्म परिवर्तन, वापस घर वापसी कराया. ये लड़कियां थे जो इधर इस्लाम में चले गए थे या इस्लाम में जाने वाले थे, एज तक गए हैं, जैसे अनघा थी. अभी भी लड़कियां, अभी भी उनको हर दिन 15 से 20 कॉल आते हैं पेरेंट्स के पास से कि हमारे बेटी को हम वहाँ ला सकते हैं, कि आप एक बार उनसे काउंसलिंग देंगे, उनको बात करेंगे. सोचिए, और ये कॉल सिर्फ केरला से नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटका से भी आते हैं. तो ये ज़्यादातर ये जो धर्म परिवर्तन का जो एलिगेशन है, बोलते हैं कि ये सिर्फ फियर से है, हमने देखा बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट वीडियो भी बनाए थे, तो उनको एक ही बात है, प्रतीश विश्वनाथ से कांटेक्ट कीजिए, आर्ष विद्या समाजम को कांटेक्ट कीजिए, इनके पास पूरा डाटा के साथ है, लेकिन वो आपको ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो. तो अगर आप चाहिए, चैलेंज कर रहे हैं लीगली, तो चैलेंज के लिए तैयार है, दिखा सकते हैं.
गायत्री जी, ये मेरा एक ओपनिंग रिमार्क है इसमें। जी सर, इस मूवी ने बहुत सारे इस वक्त रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मूवी जो सिर्फ 15 करोड़ में बनी है, और आज फ्राइडे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड 90 करोड़ रफली, जो मेरे पास जो फिगर्स आई हैं। सो दैट इज लाइक ह्यूज, और जिस तरीके से वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, इट्स गोइंग ग्लोबल। हाँ जी, करेक्ट, इट्स गोइंग ग्लोबल। और आज जो फ्राइडे को जो यूएस रिलीज हो रहा है, यूएस में सिर्फ 40 देश में रिलीज हो रहा है ये पिक्चर, उसके बाद आप देखेंगे इसका रेवेन्यू और बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत का जो टिकट प्राइसेस है और बाहर के जो टिकट प्राइसेस है, बहुत अंतर है उसमें। तो जो ओवरसीज कलेक्शन होता है, ये पठान के जैसा पिक्चर नहीं है जहाँ की ब्लैक मनी को रूट करके फिर टिकट खरीदा गया और वो दिखाया गया कि हाउसफुल जब सारे पिक्चर खाली जा रहे थे हॉल्स, इसमें तकरीबन 60 लाख लोगों ने ये पिक्चर देखा है। 2 ऐसे प्रदेश है भारत में जिन्होंने ये इसके लिए टैक्स फ्री कर दिया, एक तो मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। लेकिन ऐसे भी स्टेट्स हैं, ऐसे भी प्रांत हैं जैसे वेस्ट बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने पिक्चर को बैन कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट में इसका एक चैलेंज किया है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो क्लियरली बता दिया कि वेस्ट बंगाल कोई दूसरा देश नहीं है, भारत का ही एक हिस्सा है। अगर भारत में पूरा जगह पिक्चर चल सकता तो क्या प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में चलाने के लिए? तमिलनाडु में वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को धमकी दिया गया है, वहाँ के जो थिएटर ओनर्स को, उनको धमकी दिया गया है। मेरा एक ही प्रश्न है सारे लोगों से, आपको क्या प्रॉब्लम है पिक्चर से? और ये जस्टिस नागरेश जो केरला हाईकोर्ट के थे, जिन्होंने वो पिटीशन जब एक दिन पहले, पिक्चर रिलीज होने से एक दिन पहले उन्होंने डिसमिस किया था, एक दिन है शायद वही दिन सुबह चैलेंज हुआ था 10:30 बजे, तो उन्होंने यही पूछा उनसे कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है पिक्चर के साथ तो वो होना चाहिए ISIS। आप ISIS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, उन्होंने पूछा एडवोकेट से, और इसमें दुष्यंत दावे जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे इसमें, पता नहीं इनका फीस कौन पे करते, क्योंकि ये लोग 50 लाख मांगते हैं एक घंटे के लिए। तो आपको पता है कि इसके पीछे एक बड़ा माफिया काम कर रहा है जिसको डिसक्रेडिट करना है पिक्चर को, जैसे उन्होंने कश्मीर फाइल्स के साथ किया था कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं कश्मीर में, पंडितों के साथ सब खुश है, सब चंगा है, लेकिन हुआ, हम सबको पता है क्या हुआ था, जो अवंतीपुरा मैसेकर जो लास्ट में दिखाते हैं, लास्ट सीन है, हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है, और सबको पता है कि पंडित जो भारत के सारे बहुत सारे शहरों में रहते थे, वो लोग कहाँ से भाग के आए थे। तो ये केरला फाइल्स का जो स्टोरी है, आपने ऐसे बताया सारे स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज हो रहा है, ये बाहर के लोग भी देखना चाहिए, ये बाहर के लोग, सिर्फ भारत के जो डिसेंट नहीं, बाहर के लोग भी देखना चाहिए, लुक इस्लामिक टेररिज्म का इम्पैक्ट कैसे होता है भारत जैसे देश में। हमारे ऊपर 1-2 अटैक हुए थे, जैसे मुंबई अटैक हुआ था, लेकिन हमारे ऊपर जो मॉरल अटैक हो रहा है, हमारे जो पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे किया जाता है? और ये मैंने नहीं कहा, गेम आपको पहले एग्जांपल तो मैंने बताया था, जो थिएटर्स का जो रिलीज को रोका गया था, एक एग्जांपल था कि केरला हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने बताया, फिर था वी एस अच्युतानंद जी ने स्पेसिफिकली बताया था कि केरला 20 साल पहले, या वो उन्होंने उनके जब वो मुख्यमंत्री थे जब के बात कर रहे थे, जो कि 7-8-10 साल 15 साल पहले के, कि केरला 20 साल में इस्लामिक स्टेट बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि अभी केरला का पॉपुलेशन देखिए, अगर आप देखेंगे तो हिंदू पॉपुलेशन जो केरला का है वो तकरीबन अभी 45% पे होगा केरला के पॉपुलेशन, बाकी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, जो 38% तक हो सकते हैं अभी, क्योंकि 2011 के बाद भारत में सेंसस नहीं हुआ है, अभी हम हैं 2022 में, तो आप 10 साल का जो रिडक्शन इन फिगर, क्योंकि केरला में जो हिंदू फैमिलीज उनको 1 या 2 बच्चे होते हैं बस, लेकिन मुस्लिम्स क्या करते हैं? और ये अच्युतानंद जी ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, जो CPM के लीडर थे और जबकि मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया कि वो मुसलमान लड़के तीन तीन शादी करना चाहते हैं ताकि बच्चे और पैदा करें, ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े। और मैं आपको उनका एक शॉट भेज देता हूँ, आप वो भी देखिए बाद में कि अच्युतानंद जी ने क्या कहा था। और यही बात बाद में उमन चांडी ने कहा था, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जो UDF के मुख्यमंत्री थे, और बाद में रिसेंटली जब ISIS का थ्रेट आया था, तो आपके जो मुख्यमंत्री है, जो आप बोलते हैं कि ये पिक्चर में सारे चीज झूठ दिखाया गया, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में कहा था कि केरला से बहुत सारे लोग ISIS ज्वाइन हुए हैं। और आपको पता है कि NIA के पास 104 लोगों का सूची है, जिसमें 16 लोग केरला से गए हुए हैं, उसमें से 6 लड़कियां हैं जो अभी भी अफगानिस्तान के जेल में हैं।
और उसमें एक लड़की फातिमा जो उसके ओरिजिनल नेम था निमिषा, उसकी कहानी है ये। वो शालिनी उन्नीकृष्णन बन के पिक्चर में आती है वो जी। तो ये जो सर एक जी, हाँ जी बोलिए जी सर, इस मूवी का एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल था कि इस वक्त जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स इसको टैक्स फ्री कर रही हैं वो बहुत अच्छा लगा, दैट वाज वेरी टचिंग। यूपी ने किया, उत्तराखंड ने किया, एमपी ने किया, आज हरियाणा ने किया, और उसके अलावा ये जो अक्रॉस द वर्ल्ड 37 कंट्रीज, आदा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से बोला है, ट्विटर हैंडल से, और सिद्धार्थ सेन 40 कह रहे, तो दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली ग्लोइंग ग्लोबल एंड इट्स ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, बल्कि यूरोपियन पार्लियामेंट के गर्ड वाइल्डर्स, डच पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने भी आके ये चीज कही कि यू नो ही वांट्स एंड ही इज इन टच विद विद सुदीप्तो सेन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द टीम कि वो इसको यूरोपियन पार्लियामेंट में शोकेस करेंगे। सो दिस इज अ ब्रेक थ्रू बिकॉज जनरली इससे पहले कभी कोई पार्लियामेंटेरियन यूरोप का कश्मीर फाइल्स भी रिलीज हुई थी, कभी आके रिकॉर्ड पर नहीं बोला था कि हम रिलीज करेंगे, कनाडा में, फ्रांस में, यूएस में, सारी जगह। आपने तो इतने सारे मुझे लिस्ट भेजे हुए यूएस के थिएटर्स में जहां पर ये मूवी रिलीज हो रही है। सो दे आई मीन दिस वाज अमेजिंग इन इटसेल्फ। और उसके अलावा एक दूसरे एक्सट्रीम पेयर है, एक महिला चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है ममता बानो, जिनको लोग प्यार से अग्नि कन्या कहते हैं, अग्नि कन्या उन पर फिट नहीं बैठते, उन पर फिट बैठते विश कन्या। उन्होंने अपने स्टेट में बैन कर दिया, अरे मूवी ISIS के अगेंस्ट में बनी तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। And this is the first time also when a central minister of the stature of Smriti Irani, वो movie देखने जाती हैं। कश्मीर files के time पे भी लोगों ने support किया था, central government ने support किया था, but central minister movie देखने जाए वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और बाहर से आके तब वो जब statement देती हैं कि ममता बनर्जी ये ठीक नहीं कर रही है, तो वो किसका support कर रही है। आज मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार है वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। साल 2017 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एंट्रैपमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन के संदर्भ में एक कमिटी के माध्यम से केरल पुलिस को कुछ तथ्य सौंपे थे। ये सार्वजनिक जानकारी में भी विषय है, वो राजनीतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैपमेंट, फोर्सिबल कन्वर्जन और आइसिस ब्राइड्स को झुटलाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को यह संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। जी सर, वही तो है ना कि हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और मैं रिसेंटली लास्ट एक हफ्ते से बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं हर चैनल में घूम रहा हूँ, यहाँ केरला में नेशनल चैनल्स में भी आया था, उन सब लोग मुझे यही पूछ रहे हैं कि आप केरला से हैं लेकिन आप तो, उनका पैदाइश केरला में होता है लेकिन आप तो अपने सारे जीवन हैदराबाद में बिताए थे, क्या हैदराबाद में नहीं होता है? मैंने कहा हैदराबाद में और एक प्रॉब्लम होता था, वो जो बहुत फेमस मूवी था, नाम भूल गया था उसका, जहाँ बाजार शायद, इससे क्लियरली बताया गया था कि कैसे हैदराबाद के लड़कियों को अरबों के साथ शादी किया जाता, 60 साल 70 साल के अरब को 13 साल के लड़कियों के साथ शादी कराया, वो हैदराबाद का और एक ट्रेड है, वो चलता है। लेकिन आप, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो केरला में हुआ था हम इसको नज़रअंदाज ना करें,
क्योंकि अगर आप सोच रहे कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये केरला वालों का प्रॉब्लम है या केरला वालों का प्रॉब्लम था, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जूस के साथ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक दिन आपके घर से भी कुछ ऐसे हो सकता, ना हो, ये मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ना हो, लेकिन अगर आपके लड़की को इसी तरह ब्रेन वॉश करके बाहर उठा के लेके जाएं लोग, तो आप क्या बोलेंगे? मैं 16 ऐसे लड़कियों को लेके आने के लिए तैयार हूँ, हम कर रहे हैं, क्रिश्चियन लड़कियों को लाऊंगा जिनको धर्म परिवर्तन करने के लिए ISIS वालों ने बहुत कोशिश की थी और ऑलमोस्ट सक्सेस हो गए थे, थोड़े लोग कन्वर्ट भी हुए थे, उनको वापस लेके आए। और ये हिंदू लड़की नहीं है, क्राइस्ट क्रिश्चियन लड़की है। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 2 हफ्ते के बाद सुदीप्तो सेन के साथ बेंगलोर या दिल्ली में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के जो बिशप है, केरला के जो फेमस बिशप, जो पाला के बिशप है, उन्होंने और एक जिहाद की बात की थी, नरकोटिक जिहाद। क्योंकि ये पिक्चर में भी दिखाया जाता है कि कैसे नरकोटिक्स को यूज़ किया जाता है लड़कियों को एंटाइस करने के लिए। जब उन्होंने वो बात कहा तो उनके ऊपर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस्लामिस्ट का, इतना खूब गाली मिला उनको, उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ को प्रोसेशन निकाला और केरला गवर्नमेंट देखते रह गए। सोचिए, यही वही गवर्नमेंट है जिसको एक कोर्ट ऑर्डर अभी भी है, स्टे नहीं हुआ है वो ऑर्डर 2009 पे, जिसमें बताया गया कि आप एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए। लेकिन आप केरला में कभी कभी नहीं होगा एंटी कन्वर्जन लॉ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस आउट हो जाएगा उसमें। तो ये जो बात है गायत्री जी, ये जो स्पेसिफिक है, ये केरला में जो हुआ था लड़कियों के साथ, ISIS में कितने के वो अलग बात है, लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं आप? स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, अगर आपको शादी करना है, प्यार किया रियली, तो आप मुसलमान रहिए, लड़की हिंदू रहेगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो कन्वर्ट करेंगे, जब ही तो शादी होगी। और ये पिक्चर में भी दिखाया गया, वो फोर्स करते हैं उनको, प्रेग्नेंट करते हैं, उनका ब्लैकमेल करते हैं, उनका जो वीक मोमेंट्स है उनका पिक्चर्स निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं मोबाइल फोन में, और उसको फिर यूज किया जाता है ब्लैकमेल के लिए। तो मैं यही फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग ध्रुव राति जैसे लोग जैसे वीडियो बनाते हैं कि उसमें सब झूठ है, और सारे बहुत सारे लोगों ने उनका भांडाफोड़ किया था, बताया था कि कैसे झूठ बोलता है वो, 50 लाख लोग देखे हो, 50 लाख में आप जाके अगर उसका IP address चेक करेंगे, उसमें 95% मुसलमान है, और उसमें भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हैं। तो ये बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। अगर गायत्री जी आपका वीडियो को YouTube में आप 2 लाख या 3 लाख व्यू कल सुबह चाहिए, तो आप YouTube को पैसा दे दीजिए, YouTube उसका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, ऑफिशियल है, कोई लीगल नहीं है, YouTube पैसा लेता है और व्यूज़ बढ़ा देता है। मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग होते हुए, हमारे क्लाइंट जब मांगते हैं, और ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए ऑडियंस ये सिटी में होना चाहिए, उनका इनकम इतना होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे होना चाहिए, उनका एज ग्रुप ये होना चाहिए, ऑटोमेटिकली व्यूज़ बढ़ जाता है। तो 50 लाख व्यूज़ जो ध्रुव राति ने लेके, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो थिएटर से बाहर लोग आ रहे हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलने चाहता हूँ, आप खाली यूट्यूब पर जाइए और केरला स्टोरी रिव्यू या केरला स्टोरी फीडबैक जो भी टाइप कीजिए, आपको ऐसे हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे अभी जो लोग थिएटर से बाहर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं 1 तारीख को पिक्चर देखा था, पिक्चर जब खत्म हुआ था, बहुत सारे लोग अपने सीट से उठे नहीं, बैठे रहे वहीं कि हमने ये क्या देखा। थोड़े लोग रो रहे थे, मुझे जाके उनको समझाना पड़ा कि चलिए अब ये मूवी था, क्या करेंगे। तो बोल रहे, सूरज जी आप तो केरल से, ये क्या हो रहा है आपके? मैंने कहा आप देखिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जो ममता बनर्जी है, ये जो स्टालिन है, ये जो पिनराई विजयन है, इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक रखना है, उसके लिए लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। और जैसे जस्टिस नागराज ने पूछा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अब ISIS को क्यों डिफेंड कर रहे हैं और बोलते कि टेरर हैज नो रिलीजन, ये कैसे हो गया? अभी भी केरला में बहुत सारे थिएटर्स ने शो नहीं कर रहे हैं, PVR जैसे स्क्रीन तो विड्रॉ कर दिए थे पहले ही दिन उन्होंने, लेकिन बहुत सारे स्पॉन्सर्ड शोज चल रहे हैं केरला में जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। और हैदराबाद में भी हमने देखा था, बहुत सारे कॉलेज के लड़कियों के लिए पिक्चर स्क्रीन किया गया था स्पेशली, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लड़कियां समझना चाहिए कि उनके साथ टारगेट वही है, बहुत बहुत सीधी सादी टारगेट है। Exactly. But sir, आज सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है केरला को और तमिलनाडु को, they said when the movie can run in other parts of the country, then how can you ban the movie? Correct. How can you ban the movie? So that is something another breakthrough, क्योंकि जनरली सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स में पढ़ता नहीं है, इस तरीके की मूवीज में पढ़ता नहीं है, बट lot of न्यू थिंग्स, lot of न्यू स्टैंडर्ड्स बींग सेट अप बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, बाय द ज्यूडिशरी व्हेन इट कम्स टू दिस।
सो गो अहेड वॉच द मूवी, इट इज समथिंग. मैं तो ये कहूँगी लोगों से कि जितने भी लोग भारत में हैं, आप ये सोच लीजिए कि आपने दान किया, आपने दक्षिणा की, एंड जस्ट सिंपली स्पॉन्सर इट फॉर द कॉलोनी किड्स. सिंपली स्पॉन्सर कर, आप मत जाइए देखने, क्योंकि आप और हम समझदार हो चुके हैं, पर वो बच्चियां जो बरगला जाती हैं, जिनको समझ नहीं होती है और जिनको यू नो इट्स ईजी टू मोल्ड देम, मैन्यूपुलेट देम, उनको दिखाइए ये सारी मूवीज, ये बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया एज द मूवी गोज ग्लोबल. 37 और 37 कह लीजिए, 40 कंट्रीज कह लीजिए, विच इज अ गुड नंबर इन इटसेल्फ, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड. जी सर. जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पिक्चर का एक मॉरल है, बहुत सारे लोगों ने जो थिएटर के बाहर आती है यही बताते हैं कि हम हमारे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में समझाएं. आपको टाइम नहीं हो तो कहीं जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं वहां लेके जाइए, उनको बताइए बेसिक्स, क्योंकि वो जैसे बड़े होते जाएंगे उनको टाइम कम होते जाएंगे. जो स्कूल में है तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन कॉलेज में होते वो बात नहीं सुनेंगे आपकी. और जब स्कूल में रहते जब से उनको पढ़ाइए, उनको आधा घंटा, एक घंटा, एक हफ्ते में, संडे के दिन. क्रिश्चियंस को संडे स्कूल होता है, मुसलमान के लिए मदरसा होता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं. आप अपने टाइम निकाल के अपने बच्चों को बेसिक्स ऑफ हिंदुइज्म सिखाइए, हमारे भगवानों के बारे में, हमारे मंदिरों के बारे में वो सिखाए, ताकि कल के दिन कोई प्रश्न उनसे पूछे तो वो भाग ना जाए, वो जवाब देने के लिए तैयार हो. यही मेरा रिक्वेस्ट है. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया. इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड, यू वांट टू सेंड अ फीडबैक, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. नमस्ते.